छोड़ो, कुछ नहीं होता। नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हीरो और विलन किसी फिल्म के दो मुख्य किरदार होते हैं जिन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं, पर छोटे अभिनेताओं को कोई याद नहीं रखता। अनुपम खेर वो नाम है जिन्होंने फिल्म में मुख्य किरदार तो नहीं निभाए पर अपने अभिनय से लोगों के दिल में जगह बनाई है। अनुपम खेर को बहुत से फिल्मों में देखा गया और पसंद भी किया गया है। उनके किरदार हमेशा ही अलग और यूनिक होते हैं। अनुपम खेर एक ऑलराउंडर अभिनेता है। उन्होंने हर टाइप के किरदार निभाए हैं और हर किरदार को बखूबी निभाया है। आज ही के दिन 1955 में उनका जन्म हुआ था। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म एक कश्मीरी पंडित के घर हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय पुष्करनाथ खेर हैं। वे पेशे से एक फॉरेस्ट अफसर थे। उनकी माता का नाम दुलारी खेर है। उनका एक छोटा भाई है जिनका नाम राजू खेर, वो भी फिल्मों में अभिनय का काम करते हैं। अनुपम जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल शिमला, हिमाचल प्रदेश में की और आगे की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, भारत में की। उनकी स्कूल के समय से ही एक्टिंग में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डिग्री प्राप्त की। वे थिएटर ड्रामा से ग्रेजुएट हुए। अनुपम खेर का विवाह साल 1970 में अभिनेत्री मधुमालती कपूर से हुआ था। उनकी अरेंज मैरिज थी, पर कुछ सालों बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी कॉलेज की सहेली और मशहूर अभिनेत्री किरण खेर से आकर्षित है और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। किरण खेर की भी एक शादी हो चुकी थी जिससे उन्हें एक बच्चा है जिसका नाम सिकंदर खेर है। अनुपम खेर ने उन्हें अपना नाम दिया है। उन्होंने कभी सिकंदर को सौतेला होने का एहसास नहीं होने दिया। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अनुपम खेर किरण के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब उनका बेटा भी फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहा है। अनुपम को उनकी फिल्म मिलने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। इस किताब में उन्होंने संघर्ष करना और उससे मिली सीख के बारे में बताया है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एक बार उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल होने पर उन्हें बड़े होटल में ट्रीट दी थी, क्योंकि उनका कहना था कभी असफलता से न घबराओ बल्कि इसे सफलता में बदलने के लिए और मेहनत करो। और यही बातें उनके मुंबई में संघर्ष के दिनों में प्रेरणा स्रोत रही। हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार रविशंकर शर्मा ने बतौर संगीत निर्देशक 1955 में फिल्म वचन से अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 50 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। रवि को उन लोगों में माना जाता है जिन्होंने महेंद्र कपूर और आशा भोसले को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। यदि हिंदी फिल्मों में कुल 500 सुपरहिट गीतों को लिया जाए तो उनमें अकेले रवि के 100 से ज़्यादा सुपरहिट गीत हैं और बाकी 400 सुपरहिट गीतों में 15 से ज़्यादा संगीतकारों के नाम आते हैं। यह भी एक दिलचस्प बात है कि रवि की धुनों में रंगी गीत ब्याह शादियों में गाए जाने वाले परंपरागत फिल्मी गीतों में सभी से ज़्यादा लोकप्रिय है। आज मेरे यार की शादी है, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे फिल्मी गीत विवाह और बैंड बाजे वालों के भी प्रिय गीत है। भारतीय हिंदी फिल्मों में ख्याति प्राप्त संगीतकार रवि का जन्म 3 मार्च सन 1926 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम रविशंकर शर्मा था। रवि ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, हालांकि उनकी दिली तमन्ना पार्श्व गायक बनने की थी। इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते हुए रवि ने हारमोनियम बजाना और गाना सीखा। इसके बाद सन 1950 में वह मुंबई आ गए। संगीतकार हेमंत कुमार ने सबसे पहले उन्हें 1952 में फिल्म आनंद मठ में वंदे मातरम गीत के लिए संगीत देने का मौका दिया। रवि की धुनों में रंगे गीत ब्याह शादियों में गाए जाने वाले परंपरागत फिल्मी गीतों में सभी से ज्यादा लोकप्रिय है। आज मेरे यार की शादी है, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे फिल्मी गीत शादियों की प्रिय गीत है। बता दें कि आज के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रवि का 2012 में निधन हुआ था। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।